अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है तबस्सुम और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी कढ़ी की रेसिपी। मैं आपके साथ बड़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ कढ़ी की रेसिपी भी। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर से देखें और मैं एक क्वेश्चन पूछूँगी इस वीडियो में। अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शो शेयर करते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को एंड तक ज़रूर देखें। और बताइएगा मैंने जो चना दाल लिया था वह कितने ग्राम्स का लिया था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो मैं आपका नाम यहाँ पर डिस्प्ले करूँगी। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेंगे करीबन 250 ग्राम्स ऑफ चना दाल। चना दाल को लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। मैंने इसे 2-3 आवर्स के लिए भिगने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी हमारा जो करी पत्ता था वो, कोरिएंडर लीव्स और बारीक चॉप किए हुए ऑनियंस को भी डाल लूँगी इसमें। जो मैंने यहाँ पर ऑनियंस पीस कर डाले हैं वो ऑनियन जितने लाइक वंडर शेफ चॉपर है मेरे पास, इसमें मैंने चॉप कर लिया था। करीबन 4 ऑनियंस थे जिसे मैंने चॉप कर लिया था। आपके पास अगर छोटा चॉपर है जो ईज़िली अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाता है तो आप इस चॉपर को ज़रूर से ट्राई करें। मुझे करीबन इसे 2 ईयर्स हो चुके हैं, मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये वंडर शेफ का चॉपर है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए, अगर आप इसको डेमो का लाइक रिव्यू चाहिए तो मेरे इस चैनल पे एक वीडियो है, आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख ही सकते हैं। लेकिन उसमें नमक ऐड किया था और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी मैं बाद में। उसमें मसालों में कुछ नहीं जाता, बस इतना ही जाएगा। और अब यहाँ पे कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने करीबन 250 जो ml की पैकेट आती है उतही की करीबन अंदाज से उस हिसाब से मैंने ऐड कर लिया है। मैंने ये होम कर्ड यूज़ किया था, होम मेड है ये। इसमें डालकर मैं पानी मिलाकर करीबन 4 टेबल स्पून जो बड़े टेबल स्पून होते हैं उस जितना मैंने यहाँ पर बेसन ऐड कर लिया था। इस अच्छी तरह विदाउट लम्स आपको लम्स करना है। जो भी आपके लिए एक क्रीमी थिक कढ़ी बनेगी वो इसी से बनेगी। अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद अगर आप इसे बघार लगा देने के बाद करेंगे तो देर इज़ अ चांसेस लाइक आपका जो कर्ड है वो कडल हो सकता है। इसलिए पहले ही आप इसमें चना का आटा है जो मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल बना लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम लगा देते हैं तड़का। तड़के में मैंने कुछ डाला है मेथी दाना, इसमें मैं ऐड कर लूँगी करी पत्ता, प्याज और टमाटर भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसे इसमें 2 बघार लगेंगे। लास्ट में जो बघार है उसमें हम घी से भी लगा सकते हैं या विदाउट घी भी लगा सकते हो आप। देखिए मैंने ऑनियन को 2-3 मिनट्स फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जब ऑनियन अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे टमाटर। टमाटर जब 2-3 मिनट्स के बाद अच्छी तरह गल जाएंगे मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला कुछ नहीं डालना है। अगर आप मेरी ये रेसिपी मैं प्लेन इसी तरह बनाती हूँ, ये बहुत अच्छी बनती है। अगर आपकी लाइक ट्रेडिशनली आप रेसिपीज कुछ बनती है तो आप उस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, या फिर इस मेरे जो वर्शन है, मैंने जो वर्शन यहाँ पर ट्राई किया है, अगर आपको अच्छी लगती है तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर से ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है। देखिए इसे अच्छी तरह मैं यहाँ पर भून लूँगी। इसे करीबन 2-3 मिनट्स लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएंगे। आराम से गल जाने के बाद इसमें जो हमारा हमने घोल बनाकर रखा था वो घोल को डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे यहाँ पर। जब भी आप जो मिक्सर डालेंगे इसे लगातार चलाते रहिएगा। देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक भी लंप नहीं है। बिना लंप फ्री के हमें इसे रेडी कर लेना होगा। इसे अच्छी तरह मिलाकर लगातार इसमें जब एक बॉईल नहीं आ जाता तब तक इसे हम लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे डालकर तो आपका जो दही है वो फट सकता है। इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। मैंने यहाँ पर छोटा सा लेकर टेस्ट ट्रायल टिप ज़रूर
ज़रूर दूंगी, रैक टेस्ट ट्रायल ज़रूर कर लें अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आपने जो मसाले मिलाए हैं अब अगर उसमें कुछ नमक की कमी है, अगर आप तीखा पर ऐड करना चाहते हो तो आप इसे मिला सकते हैं। देखिए मुझे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है। मैं इसमें मिला लेने के बाद इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो आप इसे चेंज करके अच्छी तरह गोल्डन फ्राई होने तक तल लीजिए। अगर आपके पास स्ट्रेनर है तो स्ट्रेनर में रिमूव करके इसे अच्छी तरह ऑयल तमाम एवोपरेट कर लीजिए। शैलो फ्राई नहीं कर सकते, आप ड्रिप फ्राई ही करना चाहिए, एक अनहेल्दी ऑप्शन हो जाता है बड़े दही कड़ी में। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, समर सीज़न में ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए हम पे मैंने लो फ्लेम पर रखा है, कभी फ्लेम हाई कर दिया तो कभी फ्लेम लो कर दिया, इसी तरह मैंने इसे अच्छी तरह भून फ्राई कर लूँगी। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर देंगे तो देर इज अ चांसेस वो ऊपर कट जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसमें गुबाल आ चुका था तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया और इसे पकने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया है। जितनी देर आपकी कड़ी पकेगी उतनी देर आपके जो ये हैं बड़े भी बन जाएंगे, और कड़ी जितनी देर पकेगी उतनी ही अच्छी बनती है। देखिए मैंने इसे लो फ्लेम करके इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हमारे बड़ों को तल लिया है। आप सेपरेट से इसे इडली के साथ खा सकते हो, सेपरेटली ऐसे भी बना सकते हो विदाउट कड़ी ऑल्सो, ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो मेरे रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपने मेरी रेसिपी को ट्राई की है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर लें, एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे एक उम्मीद मिलती है कि आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और मुझे एक दोबारा वीडियोज़ बनाने में मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें जो बनाया था फाइनल बघार लगा दूंगी, इसमें मैंने ऑयल यूज़ किया है, घी नहीं। और इसमें मैं डाल लूँगी कुछ करी पत्ता, कुछ ड्राई चिलीज और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इसे डालकर हम अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी कड़ी बनकर एकदम से रेडी है, आप इसे राइस के साथ रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बेसिक इसमें जो अच्छा फ्लेवर आता है वो राइस से ही आता है, इसे गरम गरम राइस बना दीजिए और इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है। देख हमारे जो कड़ी है बनकर रेडी है, मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी कि राइस के साथ ये कितनी अच्छी बनती है। लास्ट में मैंने इसे कोरिएंडर लीव्स के साथ डेकोरेशन कर दी है। हमारी कड़ी बनकर एकदम से रेडी है। मेरे रेसिपीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे इस रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।